Hello students, welcome you all in our Target 100 batch. Dear students, जब हमने टारगेट सेटिंग कर लिया कि हमें 100 चाहिए, तो अब हमें हर चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है कि उसमें से कुछ भी छूट नहीं जाए। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे पूरा नंबर लाइन का कि कौन कौन से नंबर्स हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सिंबल्स कौन कौन से हैं। ओके, उसके बाद हम लोग चैप्टर में जो मेन कंटेंट है उस पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए बेटे, आप जब क्लास 6 में थे, याद कीजिए, जब आप क्लास 6 में थे, आपको जब पहली बार नंबर लाइन दिखाया था, तब आपको इस तरीके से नंबर लाइन बना के दिखाया था। हाँ ना, ये नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग वन बाय वन उन नंबर्स को देखते हैं कि वो नंबर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको जो जीरो के इस तरफ नंबर है, जो 1, 2, 3, 4 मैंने लिखा है, इन नंबर्स को आप बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको भूलना नहीं है, क्योंकि चैप्टर वन में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन में वर्ड लिखे होंगे इस तरीके से जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में इंक्लूड होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये सो ऑन। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर था वो था होल नंबर। जो होल नंबर है उसमें इंक्लूड जीरो को करते हैं हम लोग, बाकी सारे नेचुरल नंबर एज इट इज आते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिमिलरिटी क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में अगर आपने जीरो इंक्लूड कर दिया है तो वो आपका बन जाएगा होल नंबर। इसके बाद आप लोग के पास था इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं? नंबर लाइन के इस तरफ के सारे नंबर हमने कैलकुलेट कर लिए। जब हम लोग इस तरफ वाले नंबर्स में अगर इस नेगेटिव साइड के जो नंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे आ गए हमारे ये सारे नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। अब समझने वाली बात यहाँ पे है कि ये जो नंबर लाइन था इस पे मैंने 0, 1, 2, 3, 4 इधर के नंबर भी इंक्लूड कर लिए, ये भी इंक्लूड कर लिए, तो क्या इस नंबर लाइन पे ये जो 0 और 1 है, ये मैं थोड़ा बड़ा करके 1 यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझिए 2 यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं इसको जूम करके देखता हूँ तो क्या उसके बीच में कुछ नंबर्स हो रहे हैं? आपने अपना स्केल देखा है जहाँ पे 1 इंच से 2 इंच के साइन बने हैं, उसके बीच में 10 स्मॉल लाइन्स बनी होती हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स हैं जो अभी हमने डिनोट नहीं किए। तो फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 के बीच में एक नंबर हो गया 1.5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2। तो ये जो मैंने 3/2 लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो वो नंबर्स जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिखते हो उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब जो मैंने ये सिंपल यूज किया है P और Q, ये जो P है ये इंटीजर हो सकता है, Q भी इंटीजर हो सकता है, समझ में आ रही बात? दोनों ही इंटीजर हैं। जब मैंने लिखा कि P इंटीजर Q इंटीजर, इसका मतलब है कि P में भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, Q में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। एक स्पेशल कंडीशन ये है कि आपका जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप इस तरह से नंबर लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो हम लोग उस नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, समझ आए आपको? तो इस तरीके से ये जो नंबर्स के बीच में जो गैप था हमने उसको भी फुलफिल कर दिया रेशनल नंबर इंक्लूड करने के बाद। क्या आपको लगता है कि अभी पूरी नंबर लाइन पर नंबर्स फिल हो गए हैं? हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर सारे इंक्लूड कर दिए। क्या अभी भी कुछ स्पेस बाकी है नंबर लाइन पे? यस, अभी भी इस नंबर लाइन पे थोड़ा स्पेस बाकी है। उस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया √2। अब √2 आपने 9th क्लास में नंबर लाइन पे डिनोट करना सीखा था, √2 भी 1 और 2 के बीच में आ रहा था, याद है आपको? आपने इस तरीके से यहाँ पे डिनोट किया था नंबर √2 को, समझ रहे बात को? तो जब आपने यहाँ पे √2 को डिनोट किया था, इसका मतलब है कि 1 और 2 में √2 भी आ रहा है। तो ये जो इस तरह के नंबर्स हैं इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कि आप P/Q के फॉर्म में जिनको नहीं लिख सकते उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके, समझ आया आपको? इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ये जो पूरा का पूरा एक पैकेज हो गया, इस पूरे पैकेज को बोलते हैं रियल नंबर पैकेज। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर में ये सारी चीज़ें आएंगी। अब जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको चैप्टर में कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ किए होंगे,
नेचुरल नंबर, तो आपको माइंड में रखना है कि आपको सिर्फ जीरो के इस तरह वाले नंबर इंक्लूड करने हैं। आपको अगर क्वेश्चन में वर्ड लिखा मिल गया होल नंबर्स, तो आपने समझना है कि जीरो से राइट की तरफ वाले सारे नंबर यूज़ करने हैं, इंटीजर लिखा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले सारे नंबर यूज़ करने हैं। इस तरीके से आपने क्वेश्चन में जो वर्ड्स लिखे हैं उनको समझना है, और एक बार अगर अच्छे से आपको ये पूरा सीन क्लियर हो जाता है, फिर आपको इस चैप्टर को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप पहली बार में ही इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको निकाल पाएंगे। ओके, चलिए ये था इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रो, जो रियल नंबर लिखा था। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में जो मेन कॉन्टेंट है, जैसे यूक्लिड थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, और उसके बाद जो HCF LCM निकालना है, और हमने जो चेक करना है नंबर्स की प्रॉपर्टी, वो सारे काम हम लोग अभी करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर वन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिस पे चैप्टर वन बनाया गया है। ओके, एक बार आपको चैप्टर वन का पूरा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी होगी, और हमारे माइंड में एक प्लान रहेगा कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना था। अगर हमारा कुछ छूट रहा हो तो हमें फिंगर्स पे याद रहेगा। अब आपने ध्यान रखना है कि चैप्टर वन में 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो बेस्ड होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे, थर्ड और फोर्थ जो है वो हम लोग पहले कर चुके हैं क्लास 9th में, इसलिए उन दोनों टॉपिक के आगे लिख रखा है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, एंड सेकंड फोर्थ जो पॉइंट लिखा वो भी लिखा है रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, सब पहले हम सब इन सब का ओवरव्यू देखते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन एक एक चीज़ उठाएंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज बुक में बने हैं वो करेंगे। सबसे पहले जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये डिवीजन वर्ड बता रहा है कि हम लोग डिवाइड से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, कि अगर आप मान के चलिए कि आपके पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। ओके, अब मैंने एक नंबर ए बोला है, एक नंबर बी बोला है, अभी जो मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो रेशनल नंबर है कि नेचुरल नंबर है। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी दोनों ही इंटीजर्स हैं, इसका मतलब क्या है, ए और बी मैंने बोला दोनों ही इंटीजर्स हैं, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों में ही नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर मैं ए को डिवाइड करता हूँ बी से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को डिवाइड करता हूँ बी से, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि लेट द वैल्यू ऑफ ए इज 16 एंड बी की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास 5 है, कि अगर मैं 16 में 5 का डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा। 16 में 5 का डिवाइड करने पे मेरे को आता है 3 टाइम गया 15 एंड 1, दिस इज़ आर रिमाइंडर एंड ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब है कि अगर आप ए डिवाइड बी करते हो तो ए को बी से डिवाइड करने पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, ये आपका डिविजर हो गया जो बी था, प्लस कुछ रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है कि कोई रिमाइंडर बचेगा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का सीन ये है कि जब आप ए को बी से डिवाइड करते हैं तो एक क्वेश्चन होगा कि आर रिमाइंडर हो गया। ये जो रिमाइंडर है, ये जो आपका रिमाइंडर है, ये जीरो के इक्वल हो सकता है और जीरो से ग्रेटर होगा, और हमेशा ही बी से छोटा होगा, मतलब जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था रिमाइंडर हमेशा उससे कम ही आएगा। उसके इक्वल क्यों नहीं आएगा, मान लो आप 7 से डिवाइड कर रहे थे और 7 रिमाइंडर पॉसिबल है, नहीं वो तो डिविजिबल है, 7 डिविजिबल है 7 से, इसलिए कभी भी 7 रिमाइंडर सेम नंबर रिमाइंडर नहीं आएगा, ना उससे बड़ा नंबर रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर हमेशा जीरो के इक्वल हो सकता है या फिर उस नंबर से लेस होगा। ये था इक्वल डिविजन लेमा में, ये हमने करना है। इसको हम लोग ब्रीफ अभी मैंने बता दिया, इसको डिटेल्ड हम लोग एक बार ये पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो बेटे, दो तरह के नंबर्स की हम लोग बात करते हैं, एक नंबर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। आई होप आप सबको पता है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो सब नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर अवेलेबल हैं, कौन कौन से, नंबर इटसेल्फ एंड वन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास आ गया एक तो 2, 3, 5, इनमें 2 के अगर फैक्टर्स आप करेंगे तो 1 और 2 ही आएगा, 3 के करेंगे तो 1 एंड 3 है, और 5 का भी 1 एंड 5 है। बट अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ 4, तो 4 को हम लोग 2, 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 4 के फैक्टर्स अवेलेबल हैं, और जिस नंबर के फैक्टर्स अवेलेबल हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको आप दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। ओके,
फिर ये जो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, इसमें हम लोगों ने जो नाइन्थ क्लास में इरेशनल नंबर पढ़े थे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, अब तब हम लोगों ने इन सब नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, अब हम लोग इनको प्रूव करेंगे कि नंबर इरेशनल है। ओके, नेक्स्ट इज रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स, हम लोग रेशनल नंबर्स को दोबारा रिविजिट करेंगे, जो पी एप अभी बताया था मैंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिनको लिखते हैं हम लोग, और हम लोग इनके डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। नाइन्थ क्लास में आपने डेसिमल एक्सपेंशन देखा था कि जब आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर लिखते हो और उसको डिवाइड करते हो, तो वहाँ पे तीन तरह के केस अवेलेबल थे। नंबर वन कि आपका नंबर टर्मिनेट हो गया, आपने जब डिवाइड किया तो आपका डिवीजन क्या है, टर्मिनेट हो गया। फॉर एग्जांपल आपने 10 में डिवाइड किया 2 से तो 5, टर्मिनेट खत्म। सेकंड जो आपने पढ़ा था वो था नो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि टर्मिनेट नहीं हुआ है बट रिपीट हो गया। कैसे, जब आपने 10 में 3 का डिवाइड किया था तो 3.33333 कंटिन्यूस के 3 रिपीट होना शुरू किया, उसको हमने लिखा था 3 पे बार लगा दिया था हमने। ओके, तो ये था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ बट रिपीट होना शुरू हो गया। और इसमें एक थर्ड कैटेगरी और है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हुए ना रिपीट हुए, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हो गया है। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर फंडामेंटल लेटर थ्योरम, फिर ये जो बाकी दो बच गए हम लोग इनसे काम करना शुरू करेंगे। ओके, अब हम लोग डिटेल में समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। देखो बेटे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले आपके बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं उस एग्जांपल को यहाँ पे करना शुरू करता हूँ। वहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि कुछ एक्स हैं, जब उन एक्स को मैं नंबर ऑफ एक्स को डिवाइड करता हूँ 2 से तो वहाँ पे 1 रिमाइंडर आता है, मतलब 2 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैंने डिवाइड किया है 2 से, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं नंबर ऑफ जो एक्स हैं वो आपके पास हैं एन। ओके, अगर आप उसको डिवाइड करते हो 2 से, तो मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक नंबर ए आता है और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वो है 1। ओके, ये उसने एक फर्स्ट स्टेटमेंट दी है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आप उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। सेम उसी नंबर को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो अब मैं यहाँ पे 2 नहीं लिखूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करो 2 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन सेम आ जाए, इसलिए यहाँ पर मैंने नंबर चेंज कर दिया, बी लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख दिया 2। थर्ड कंडीशन लिखी है कि अगर आप उसको 4 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर बचता है, अगर आपने उसको 4 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर बोल रहा है 3, अगर आप इसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बच रहा है 4, अगर आप इस नंबर को 6 से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो बच रहा है 5, और अगर आप इस नंबर को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 0। अब इन सब को देख के हमने एक नंबर फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने थे। ओके, तो ये जब आप एक बार इसको समझ गए सिस्टम को, फिर जो मैंने अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखी थी यहाँ पे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब 2 से डिवाइड किया तो मैंने अभी क्या बताया था आपको इधर, चलिए पहले इसको पूरा समझते हैं फिर लिखूँगा मैं। जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 1 बच रहा है, 3 से कर रहे हैं 2 बच रहा है, 4 से करने पे 3 बच रहा है, 5 से करने पे 4 और 6 से 5 और 7 से करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब कि जो रिमाइंडर है, आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया उससे छोटा ही है। यस, अब अगर इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करना हो तो आपको HCF LCM के क्वेश्चन सिखाए थे क्लास 7-8 में, तो उसी के की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। अभी इस स्टेटमेंट को हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे चेक करो 2 से डिवाइड करते हैं 1 रिमाइंडर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस भी 1। इसका मतलब कि सब में जो डिफरेंस है दोनों का 1-1 है। तो इस केस में आप क्या करते हो, 2, 3, 4, 5, 6 आप 2, 4, 5, 6 का आप फाइंड कर लीजिए एलसीएम। 2 से यहाँ पे 1 आ गया, 3 पे नहीं जाएगा, ये 2 आ गया, यहाँ 5 और यहाँ 3,
टू से अगेन फिर थ्री फिर वन फिर फाइव एंड थ्री, तो थ्री से वन 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 फाइव एंड वन, और फाइव से करने पे ये पूरा हमारा हो गया ख़त्म। टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, यहाँ से आ रहा है सिक्सटी। ओके, सिक्सटी जो है वो क्या सेवन से डिविजिबल है क्या? नहीं, सिक्सटी सेवन से डिविजिबल नहीं है। और अगर हम लोग अब इस केस में क्या करते हैं, जब 60 आ गया तो उसमें से माइनस वन करना है, 60 माइनस वन 59। अब 59 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ से लेके यहाँ तक सब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। 59 में अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 जा 54 और 5 रिमाइंडर आ गया। 5 से करते हैं तो 11 टाइम जा गया 55, 4 रिमाइंडर आ गया। आप 4 से करते हैं तो आपका 56 तक चला गया, 14 4 56, और उसके बाद आपका रिमाइंडर आ गया 3। अगर आप 3 से करते हो 19 3 57, तो उसमें फिर आपका 2 रिमाइंडर आ गया। अगर आप 2 से करते हो 29 2 58, और 1 रिमाइंडर आ गया आपके पास। ओके, तो अभी भी ये 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 3 आता है, 7 8 56, रिमाइंडर 3 आ रहा है, बट हमको तो रिमाइंडर कितना चाहिए था, 0। चलिए कुछ ये अब इसके मल्टीपल्स देखने होते हैं। 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 120। माइनस 1 करो, ये सब तो सेटिस्फाई करेंगे, हमने चेक करना कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या। माइनस 1 करने पे हमारे पास आ गया 119, तो 119 देखते हैं हम लोग क्या सेटिस्फाई करता है कंडीशन। 7 1 7, यहाँ बचा 4, 49 यस करता है। इसका मतलब आपके पास जो नंबर वेक्स थे वो 119 थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं। अब जो लेमा जो वर्ड होता है ना बेटे, इसका मतलब होता है कि एक प्री अप्रूव्ड स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जो अप्रूव्ड है, जिसको आपने यूज़ करना है दूसरी स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए। ओके, तो इस पूरे सीन से ये क्लियर हो गया कि किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हो बी से, तो एक क्वेश्चन आएगा प्लस एक रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर आर है वो जो है वो हमेशा जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा होगा, बट उस नंबर से छोटा होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। बेसिकली जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं एचसीएफ फाइंड करने में। किस काम में यूज़ करते हैं? एचसीएफ फाइंड करने में। तो मैंने ये बोला कि लेमा और एक वर्ड होता है बेटे एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम और लेमा बेसिक डिफरेंस ये है कि जो एल्गोरिदम होता है वो स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोसेस को सोल्व करने का, और लेमा का मतलब है कि आपने एक स्टेटमेंट है जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो दूसरे स्टेटमेंट्स प्रूव करने में। ओके, चलिए तो अब एचसीएफ फाइंड करने में कैसे यूज करते हैं इस डिवीजन लेमा को। मान के चलिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक 16 है और एक है हमारे पास यहाँ पे मैं 24 लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा आसानी से। और यहाँ पे मैंने एक नंबर यूज कर लिया है, दैट इज नंबर है वो मेरा 4। ठीक है, तो अब 24 को मैं लिख रहा हूँ 4 से डिवाइड करने पे 6, मतलब अब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो 4 है वो उसका एक फैक्टर है, और जब 4 और जब रिमाइंडर 0 बच रहा है इस केस में, ये जो 4 है वो इन दोनों का एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर नहीं आ जाता है। चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 135 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 135 के साथ साथ एक नंबर लिख दिया मैंने, मानते हैं 10। क्या लिख दिया जी नंबर? 10। ओके, अब चेक करते हैं क्या 135 में 10 से एग्जैक्ट डिविजिबल है क्या। 135 को अगर मैं 10 से डिवाइड करने जाता हूँ तो 13 टाइम जाएगा बट 5 रिमाइंडर आएगा, समझ रहे हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट वही होगी जो मैंने भी बनाई थी। तो अभी हमारा एचसीएफ नहीं निकला, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आप एचसीएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपका ये था जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, ओके, उसको आपने यहाँ पे लिखना है और 5 को आपने लिखना है यहाँ पे। अब इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, देखते हैं इन दोनों में ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है। 10 5 से करते हैं तो कितने टाइम गया? 2 टाइम, और रिमाइंडर 0, मतलब ये जो 5 आया है ये 5 आपका एचसीएफ हो गया। जब रिमाइंडर 0 निकलेगा तब आपने जिस नंबर से डिवाइड किया था वो नंबर आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ये होल सोल जो मतलब है इस चीज़ का वो ये है कि आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हो दो नंबर का, ए और बी का। जब आपने ए और बी का
यूक्लिड डिवीजन लेमा लाई थी, तब वहाँ पे आपको मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट बन गई थी वी क्यू प्लस आर। तो ये जो आर और बी है, अगर आप इनका भी एच सी एफ निकालेंगे तो वो इस एच सी एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हमने डिवीजर और रिमाइंडर, डिवीजन और रिमाइंडर, डिवीजर और रिमाइंडर का इस तरह से निकालते जाना है, और एट द एंड ऑफ जब आपका रिमाइंडर जीरो हो गया तो वो आपका क्या होगा, एच सी एफ निकल जाएगा। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा का करना है यूज़। ओके।